दीमा चा बगान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक महीना में यात्रा हो रहा है। यह यात्रा 60वां वर्षगांठ है इस बार इस यात्रा का। आदिवासी समुदाय के विभिन्न प्रांतों से विभिन्न इलाकों से लोग की कलाकृतियां एवं झांकियां दिखाई मिलती है। आदिवासी समाज किस प्रकार प्रकृति से जुड़ित होकर रहते हैं उसका परिदृश्य इस यात्रा में दिखाई देता है। आइए देखते हैं इस समाज की इन यात्रा को। मैं हरिहर नागबंशी और यह है मेरा समुदाय। यात्रा का शुरुआत प्रकृति की पूजा से होती है, जिसमें पाहन, पुजारी, महतो की अहम भूमिका रहती है। बैराखी झंडा को बांस के सहारे मध्य भाग में गाड़ा जाता है। यह बैरागी झंडा शांति त्याग का प्रतीक है। दिया धूपदानी से इलाका को पवित्र किया जाता है। बुजुर्ग आदमी का नाम पकड़ा भगत ने क्या भगत नाम है उनका, वो पहान था, वो पूजा पाठ कर रहा था, उसी की स्थापना से अब तक लागू है। मैदान में बड़े धूमधाम से जत्रा आए हुए टीम का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम लोग सब मिलजुल कर वहाँ पे नाच प्रोग्राम देखते हैं। सांस्कृतिक लोक सांस्कृतिक डांस होता है मांदल के साथ, नागड़ी के साथ। गाना मौसम के अनुरूप होता है। सुबह से शाम तक यात्रा चलता है। हर एक जाति उपजाति आदिवासी समाज का मातृभाषा के साथ गाना के बोलचाल में झूमने लगते हैं। इस संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन आजकल जो शिक्षा वर्ग होता है वे लोग संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को बचाना है तो अपना साहित्य भाषा को लेकर चलना है और अपना बीच बीच में संस्कृति प्रोग्राम करना है और बच्चों को उत्साह देना जरूरी है। जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि युवा वर्ग जिस तरह से जितना एडुकेटेड होते जा रहे हैं उस तरफ, उस दृष्टि से अपने सांस्कृतिक अपने कल्चरल को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं अपने कल्चरल को। तो मेरा कहना है कि युवा वर्ग को इसमें आगे आना चाहिए, अपने संस्कृति को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। खेत हरा भरा हो, आहार भरपूर हो, इसके लिए धरती माँ से वरदान मांगे जाते हैं। सुबह से लेकर शाम एवं शाम से लेकर अर्धरात्रि तक यह कार्यक्रम चलता रहता है। अंत में सभी कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत घर की ओर प्रस्थान करते हैं।